हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सच्चे ते सामर्थी परमेश्वर जी, प्रभु जी, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा मेरे महान परमेश्वर जी, अज दे इस सुंदर समय दे लई प्रभु जी, जो तुसी अपने बच्चियां दे लई ठहराया मेरे महान प्रभु जी, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा मेरे जिंदा प्रभु जी। खुदा, तू मेरा बल है, तू मेरी बुद्धि है, तू मेरी चट्टान है मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा, तू दयावान परमेश्वर है, दया दा सागर है मेरे सामर्थी प्रभु जी। खुदा, सचमुच तू जीवित परमेश्वर है। खुदा, बीते समय दे विच प्रभु जी तुसी सानू संभाल के रखिया, अपने जिंदा जोरावर हाथों के विच रखिया मेरे सामर्थी प्रभु जी। स्वर्गदूतों नाल साडी अगवाई की मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा, अपने बच्चियां नू परमेश्वर जी संभाल के रखिया, साडे कम्मां कारां नू संभाल के रखिया मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा, तू दया दा सागर है मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। साडे परिवार नू, साडे बच्चियां नू बीते समय दे विच तुसी संभाल के रखिया, अपने जिंदा जोरावर हत्थां दे विच रखिया मेरे सामर्थी प्रभु जी। मैं तुहाडा धन्नवाद करदा कि बीती रात पर मेरे सामर्थी परमेश्वर जी तुसी सानू संभाल के रखिया मेरे सामर्थी प्रभु जी। स्वर्गदूतों ने साडी अगवाई की और सानू मिठी नींद दिती मेरे प्रभु जी। परमेश्वर जी, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा कि तुसी सानू मिठी नींद तो जगाया और अज दा इह सुंदर समय दिखाया मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा, सचमुच सानू इस प्रार्थना दे विच तुसी शामिल कीता मेरे प्रभु जी। खुदा, सचमुच खुदा असी इस योग्य नहीं सी, परमेश्वर तुहाडे आत्मा ने सानू इस योग्य कीता कि असी इस प्रार्थना दे विच शामिल हो सकीए, अज दे इस पवित्र दिन नू देख सकीए मेरे सामर्थी प्रभु जी। मैं तुहाडा धन्नवाद करदा मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा, अगर बीते समय दे विच प्रभु जी, जाने अनजाने दे विच प्रभु जी, साडे कोल किसी भी तरह के गलती गुनाह कोई पाप हो गया होवे मेरे सामर्थी परमेश्वर जी, खुदा सानू माफ़ करना मेरे सामर्थी प्रभु। तुहाडा वचन दसदा है तुसी माफ़ करन वाले जीवित परमेश्वर जी। खुदा, सचमुच तुसी दया दे सागर जी मेरे प्रभु जी। साडे पापां दे कारण मेरे प्रभु जी अपना मुख साडे उत्तों ना फेरना मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा, तुसी दयावान परमेश्वर जी। खुदा, सचमुच तुसीं अपना पवित्र लहू बहा के सानू छड़ाया, साडे पापां तो सानू आज़ाद कराया। मैं तुहाडा धन्नवाद करदा मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा, च जो भी लोग इस प्रार्थना दे विच शामिल ने जां इस प्रार्थना नू प्रभु जी सुन रहे ने मेरे सामर्थी परमेश्वर, तुहाडी वचना दे ताकत नू समझ सकन परमेश्वर, जाण सकन कि तुहाडे वचन जो जिंदा हन परमेश्वर जी, सचमुच खुदा वो अज भी साडे जीवन दे विच काम करदे हन मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा, जिस तरह तुसीं क्या उजाला हो जात, उजाला हो गया परमेश्वर जी, खुदा उस तरह अज भी परमेश्वर उजाला है वो पवित्र आत्मा जी, जो तुहाडे वल्लों ठहराया गया मेरे प्रभु जी। खुदा, सचमुच तुहाडे वचन जीवित ने परमेश्वर जी। सचमुच तुसी जमीन नू बनाया, आसमान नू बनाया, सूरज नू बनाया, तारिया नू बनाया परमेश्वर जी, सचमुच पंछियां नू बनाया, जानवरां नू बनाया मेरे प्रभु जी। तुहाडा वचन जिंदा है, अज भी उस तरह मौजूद ने मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा, सचमुच तू दया दा सागर प्रभु है, तू अपने बच्चों के लिए सचमुच परमेश्वर जी अपने वचन जिंदा वचन नू भेजदा है, और सचमुच मेरे सामर्थी परमेश्वर जी, सचमुच तुसी निर्बलां दी पवित्र आत्मा जी शक्ति नू वधाउंदे जी। तुहाडे वचन जशाया 40:29 दे विच लिखिया, ओ हुस्से होयां नू बल दिंदा है अते निर्बलां दी शक्ति वधाउंदा है परमेश्वर। सचमुच तुहाडा वचन जीवित वचन है मेरे प्रभु जी। सचमुच खुदा, तुहाडा वचन हुस्से होयां नू बल देण वाला प्रभु, सचमुच तुहाडा वचन जिहड़ा है हुस्से होयां नू बल दिंदा है मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा, सचमुच निर्बलां दी शक्ति वधाउंदा है मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा, तुहाडा वचन जो जीवित वचन है मेरे सामर्थी परमेश्वर जी, खुदा तुहाडे जीवित वचन नू जाण सकन मेरे सामर्थी प्रभु जी। खुदा, अज जो भी लोग अपने घरां तो बाहर निकल रहे ने, कम्मां कारां दे लई निकल रहे ने मेरे सामर्थी परमेश्वर जी, खुदा सचमुच मेरे प्रभु तुसी उन्हां दी अगवाई करना मेरे सामर्थी प्रभु जी। खुदा, सचमुच जो भी इन्हां दे बच्चे अज अपने घरां दे विच्चों बाहर निकल रहे ने, सचमुच स्कूलां कालजां दे विच निकल रहे ने, जा रहे ने प्रभु जी, तुसी उन्हां दे रस्ते दे विच मदद और सहायता करना परमेश्वर, इन्हां दे परिवार दी मदद और सहायता करना जो अपने कम्मां कारां दे लई घरां
तो बाहर जा रहे ने मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा सच मुझ तुहाडा आत्मा ना दी अगवाई करे मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। दुष्ट की कोई भी चाल ना दी जिंदगी दे विच सफल ना होंदी रवे प्रभु यीशु दे नाम च। खुदा हर एक दुष्ट की चाल नू सच मुझ हर एक गंदी आत्मा नू एक्सीडेंट की गंदी आत्मा नू मैं कमांड करता कि तुसी इन्हां दे रस्तियां दे विच नहीं आ सकदियां प्रभु यीशु दे नाम च। मैं बंदा हर एक दुष्ट की ताकत नू इन्हां दे रस्तियां दे विचों तुहाडा वचन दसदा है जिस नू तुसी धरती ते मना करोगे स्वर्ग विच मना कीता जाएगा। जिस दी तुसी धरती ते इजाजत होवोगे उस दी इजाजत स्वर्ग विचों भी दित्ती जाएगी। परमेश्वर जी सचमुच तुहाडा वचन सामर्थी वचन है मेरे प्रभु जी। जो तुसी सानू दिता मेरे सामर्थी परमेश्वर जी बाइबल दे विच जो भी वचन लिखे ने वो साढ़े लिए वादे ने मेरे सामर्थी परमेश्वर अज भी पूरे होंदे ने प्रभु जी। सचमुच खुदा जिस तरह अज भी मुर्दा जिंदा होंदे ने मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा अज भी अन्ने वेखते हैं मेरे प्रभु जी, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर और बोले सुनते हैं। खुदा सचमुच मेरे प्रभु जी तुहाडे वचन जो जीवित ने खुदा सचमुच उस हर एक दे जीवन दे विच अज काम करन प्रभु यीशु दे नाम च मेरे सामर्थी प्रभु जी। जो लोग बीमार ने खुदा सचमुच अज तुहाडे जीवित वचन उन्हां दे उपर उतरन, सचमुच अपने मुँह दे विच बोलन कि तुहाडे कोड़े खान नाल वो चंगे हो चुके हैं प्रभु जी। सचमुच जिंदा वचन उन्हां दी जिंदगियां दे विच काम करनगे प्रभु यीशु दे नाम च। सचमुच अज जो भी बीमार लोग ये बोल रहे ने कि प्रभु तुहाडे कोड़े खान ना मैं चंगा हो चुका वा, परमेश्वर जी सचमुच अज वो चंगिया होणगे मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा तुहाडे वचन पहला पत्रस 2:24 दे विच लिखिया ओ आप साडे पापा नू चुक लै लिया भाई असी पाप दे वल मर के धर्म दे वल जीए उस दे मार खान तो तुसी निरोए कीते गए। परमेश्वर सचमुच खुदा तुसी साडे अपराधा नू खुदा साडियां गलतियां दे कारण जो साडे उपर पाप आने सी सचमुच जो पाप दे कारण साडे उपर बदियां आनियां सी परमेश्वर बीमारियां आनियां सी खुदा तुहाडा वचन दसदा है खुदा तुसी वो अपने उपर चक लित्तियां मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। और सानू निरोया करन दे लई मेरे सामर्थी परमेश्वर जी तुसी अपने उपर मार खाधी, सचमुच तुसी कोड़े खाधे अपने उपर तां जो सानू चंगियाई दे सको मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा मैं तुहाडा धन्नवाद करदा कि अज मैं विश्वास करदा कि तुहाडे कोड़े खान ना मैं चंगा हो चुका वा मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा सचमुच अज जो लोग चिंता च ने परेशानी दे विच ने खुदा तुहाडा वचन कहिंदा है अपना भार यहोवा उत्ते सुट ओ तेनू संभालेगा धर्मी नू कदे डोलन ना देवेगा। परमेश्वर सचमुच ये वचन उन्हां दी जिंदगियां दे विच अज काम करे मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा सचमुच खुदा मेरे प्रभु जी जो भी जबूर 55:22 दे विच वचन लिखिया गया प्रभु अज इन्हां दी जिंदगियां दे विच काम करे मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा सचमुच मैं विश्वास करदा ये वचन इन्हां दीआं जिंदगियां दे विच अज काम करेगा। सचमुच सब बोझ इन्हां दा हल्का हो जाएगा प्रभु यीशु दे नाम च मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा तुहाडा वचन कहिंदा है मंगोगे तां दित्ता जाएगा परमेश्वर जी। खुदा च जो भी लोग तुहाडे कोल मंगण मेरे सामर्थी परमेश्वर जी तुहाडा आत्मा उन्हां दे लई हर एक वस्त्र दा हर एक वस्तु दा मुहैया करे मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा च जो भी लोग प्रार्थना दे विच तुहाडे कोलों मंग रहे हन मेरे सामर्थी परमेश्वर जी खुदा उन्हां दा आनंद पूरा होवे मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। तुहाडे वचन यूहन्ना 16:24 दे विच लिखिया अजे तुसी मेरा नाम लै के कुछ नहीं मंगिया, मंगोगे तां तुसी पाओगे अते तुहाडा आनंद पूरा होवेगा। परमेश्वर सचमुच जो यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच मंगदे हन पिता दे कोलों उन्हां नूं मिलदा है प्रभु। तुहाडा वचन इह दसदा है मेरे सामर्थी परमेश्वर और ये वचन जिंदा है प्रभु। सचमुच जो ये वचना के द्वारा तुहाडे कोल नौकरियां दी आसीस मंगदे ने परमेश्वर उन्हां दे उपर नौकरियां दी आसीस मिले परमेश्वर जी। जो ये वचन के द्वारा प्रभु यीशु दे नाम दे विच जो वीजियां दे लई तुहाडे अगे बेनती प्रार्थना करदे ने प्रभु सचमुच उन्हां दे वीजे उन्हां नूं मिलन प्रभु यीशु दे नाम च। खुदा सचमुच जिन्हां दे उपर कर्जा है प्रभु जी खुदा सचमुच अगर ये वचन दे नाल प्रभु जी तुहाडे अगे प्रार्थना करदे ने खुदा सचमुच जो सारा कर्जा चावे यीशु दे नाम च। खुदा अगर उन्हां दी जिंदगियां दे विच कोर्ट केस ने लड़ाई झगड़ा ने पवित्र आत्मा जी अजे वचन नूं बोलन प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगण और पिता तुसी उन्हां दे लई मुहैया करो मैं विश्वास करदा खुदा सचमुच अजे कोर्ट केसां दे विचों जित्तणगे प्रभु यीशु दे नाम च मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਆਤਮਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਾਜ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਮੁੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਵਚਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਥੰਮ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਥੰਮ ਗਈਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਨ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਜ਼ਬੂਰ 20:4 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨੋਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਭੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਖੁਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਭੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਸਮਰਥੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਿਆਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਖੁਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਆਦਰ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ।